येऊर हिल के ट्रैक ब्लॉग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो अभी अब मैं येऊर हिल के मिड पॉइंट में हूँ एंड आप पीछे देख सकते हो ठाणे सिटी ये साइड एंड यहाँ पे आया आपका ठाणे क्रीक। तो येऊर हिल्स कैसे पहुँचे, तो सबसे इकोनॉमिकल वे है आप ठाणे रेलवे स्टेशन तक ट्रेन में आए तो आपको बॉम्बे से कल्याण सब जगह से आपको ठाणे के लिए स्लो और फास्ट ट्रेन मिलेगा एंड ठाणे वेस्ट आते ही आपको बस स्टॉप मिलेगा। TMT के आप बस स्टॉप में जाओगे तो आप किसी से भी 56 नंबर या 56 नंबर का बस पूछ लीजिए। ये बस जाती है टिकुजिनी वाड़ी एंड ये उसका लास्ट स्टॉप है। तो टिकुजिनी वाड़ी के यहाँ पहुँचने के बाद लेफ्ट साइड जब बस स्टॉप से बस आप उतरोगे तो लेफ्ट में सीधा आपको बोर्ड दिखेगा येऊर हिल्स एंट्रेंस का। तो ये एंट्रेंस पॉइंट जो है यहाँ पे आपको 77 रुपीज़ पे करना है एक आदमी का एंड और एक पॉइंट है जहाँ से आप बिना पे के आ सकते हो कि नहीं बहुत कम लोगों को पता है। सिर्फ जो लोकल राइड्स है यहाँ पे वो ये रूट से आते हैं। बस आपको यहाँ छोड़ेगी, लेफ्ट साइड का रास्ता लेने पर पहला टिकुजिनी वाड़ी आएगा एंड उसके बाद येऊर हिल्स का एंट्रेंस आएगा। ये राइट साइड में है टिकुजिनी वाड़ी का एंट्रेंस एंड सामने 200 मीटर आगे है येऊर हिल्स का एंट्रेंस। येऊर हिल्स के एंट्रेंस के सामने आप अपना गाड़ी पार्क कर सकते हो। येऊर हिल्स के एंट्रेंस के जो मेन गेट है उसके लेफ्ट साइड में टाटा का एक सब स्टेशन है। येऊर हिल्स जो है वो संजय गांधी नेशनल पार्क का भाग है। लेफ्ट साइड में टिकट काउंटर है, यहाँ पे एंट्री फी है एडल्ट का 77 रुपीज एंड बच्चों के लिए है 41 रुपीज एंड कैमरा के लिए वो 214 रुपये लेते हैं। अगर आपको एंट्रेंस फीस दिए बिना जाना है तो आप कोकनी पाड़ा गाँव से जा सकते हो। ये टिकुजिनी वाड़ी बस स्टॉप के 200 मीटर पहले आता है। आप किसी से चाय वालों से या किसी से पूछ सकते हो एंड ये रूट से यहाँ के लोकलाइट जाते हैं येऊर हिल्स ट्रैक के लिए। आपको ये याद रखना है कि आपको जो मेन ट्रेल है जो बड़ा रास्ता है आपको वो ट्रेल से ही चलना है। आगे दो रास्ता है, राइट वाला रास्ता जो है येऊर हिल्स के टॉप पे और जो टाइगर टॉप है वहां पहुंचाएगी एंड स्ट्रेट वाला जो रास्ता है वो एक ब्यूटीफुल स्पॉट पर लेकर जाएगी। फिलहाल आपको जो दिखा वो रॉक पैच यहाँ का। तो आप यहाँ पे एक्चुअली कैंपिंग कर सकते हो लेकिन काफी लीगल है ये, पर लेपर्ड अटैक का काफी हाई चांसेस है। यहाँ एक इंसेक्ट जो ग्रास का कलर हरा कलर लेकर जिसको हम कैमफ्लॉज बोलते हैं लेकर एक बटरफ्लाई को अटैक कर रहा है। अभी हम येऊर हिल्स के टॉप पर जाने लगे, आगे लेफ्ट में एक डाइवर्सन है जो एक पॉन्ड की ओर ले जाता है। आपको बहुत सारे जगहों से ठाणे सिटी का और ठाणे क्रीक का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। एंड येऊर हिल्स के टॉप पहुंचने के लिए आप आराम से फिट हो तो 45 से 50 मिनट तक ऊपर पहुंच जाओगे एंड अगर आप आराम से वीडियो निकालते हुए टाइम पास करके आओगे तो मैक्सिमम सबका 1.5 से 2 घंटा जाएगा। एंड ये ट्रैक काफ़ी परफेक्ट है बिगिनर्स के लिए। मानसून में कुछ पैच स्लिपरी हो सकता है लेकिन इट्स वर्थ दी एफर्ट्स। एंड पीछे आप देख सकते हो वो है आपका ठाणे क्रीक सामने जो है वो एंड ये साइड जो है
ये थाने सिटी, थाने वेस्ट, एंड आ गया है आपका मुलुंड। तो ऊपर आ जाने के बाद आपको ऐसा यहाँ पे ऐसा यहाँ पे पैडी कल्टीवेशन होता है, तो आप यहाँ पे ऐसा देख सकते हो पैडी कल्टीवेशन यहाँ पे सामने हो रहा है, एंड आगे और भी पूरा पैडी कल्टीवेशन है। एंड सामने भी अगर आप सामने की ओर जाओगे तो वहाँ पे भी पैडी कल्टीवेशन होता है। एंड आपको ऐसा रास्ता स्ट्रेट जा के जाओगे आप सीधा टाइगर टाइगर वुड्स का। तो यहाँ पे काका मिले थे तो वो बोले थे कि और यहाँ से कुछ आधे घंटे का ट्रेल है अभी टाइगर टॉप पहुँचने के लिए, जो येरो हिल्स का टॉप पॉइंट है। तो भी काफ़ी ज़ोर से बारिश चालू हुआ है, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है, बस वो स्लिपरी है यहाँ पे। यहाँ के जो लोकलाइट्स है जो पहाड़ के ऊपर रहते हैं वो पैडी कल्टीवेशन करते हैं, सिर्फ मानसून में कल्टीवेशन होता है और बाकी टाइम पानी का बहुत शॉर्टेज रहता है। तो हमें जाना है वहाँ पे सीधा जो टॉप मोस्ट पॉइंट है टाइगर पॉइंट इस पूरे येरो हिल्स का, एंड ये वहाँ पर थाने का व्यू। सो ये जो रास्ता है ये आपको लेकर जाएगा टाइगर टॉप जो टॉप मोस्ट पॉइंट है येरो हिल्स का, एंड ये जो रास्ता है ये जाता है वाटरफॉल की ओर। एंड यहाँ से हम लोग आए थे, एंड यहाँ पे खाना मिलता है आपको, स्नैक्स और टी कॉफी। अब हम ट्रैक के फाइनल पैच में पहुंचे, ये आपको सीधा टाइगर टॉप पहुंचाएगी जो येरो हिल्स का हाईएस्ट पॉइंट है। आज संडे होने के बाद भी हमें ट्रैक पर हार्डली 4 या 5 लोग दिखे, नॉर्मली यहाँ बहुत क्राउड रहता है। अभी हम टाइगर टॉप पहुंचे जो येरो हिल्स का हाईएस्ट पॉइंट है। राइट का जो छोटा सा ट्रेल है वो लेने पर आपको और भी खूबसूरत व्यू दिखेगा। मानसून टाइम पर ध्यान रखिए क्योंकि ये ट्रेल काफी स्लिपरी होता है और पेड़ पर सांप भी हो सकता है। सामने आया आपका थाने क्लिक और थाने सिटी जो थाने वेस्ट है, एंड क्रीक के उस पार कल्याण और मलंगट आया। अभी हम टाइगर हिल के टॉप पर हैं। हम लोग सामने से चलकर आए थे टाइगर टॉप की ओर और राइट साइड का जो रास्ता दिखा आपको वो लेकर जाएगी येरो हिल्स के वाटरफॉल की ओर। अभी हम वाटरफॉल की ओर जा रहे हैं। यहाँ भी आपको ये याद रखना है कि जो मेन ट्रेल या जो बड़ा वाला रास्ता है प्रोमिनेंट है आपको उसी से चलना है। राइट साइड में आया टाइगर टॉप जहाँ से हम जाके आ रहे हैं। अगर आपको ट्रेल का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज गांव वालों से पूछिए। ये येरो हिल्स वाटरफॉल का टॉप पार्ट है और पानी यहाँ से आता है। इस वाटरफॉल के दो लेवल्स हैं, एक सामने और एक नीचे।
यहाँ वीकेंड्स पर बहुत क्राउड रहता है। आप प्लीज नेचर को क्लीन रखिए और खराब मत करें। अरुण,